नवी मुंबई के एरोली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई अधिवेशन का आज समापन हो गया। इस दौरान गुजरात के कैबिनेट मंत्री कुंवर भाई बवालिया, सांसद जयप्रकाश निषाद समेत देश भर से आए निषाद आदिवासी मछुआरा संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अधिवेशन में 10 प्रस्ताव पास किए गए, जिन्हें केंद्रीय और राज्य सरकारों को भेजने की तैयारी है। देखें रिपोर्ट। कोली मछुआरों, निषाद और आदिवासियों को उत्थान के लिए नई मुंबई में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन अधिवेशन का समापन हो गया। देश भर से आए 151 संगठन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहां कुल 10 प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिनमें कोली मछुआरा और आदिवासी समाज को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं उन्हें राजनैतिक भागीदारी दिलाने पर जोर दिया गया। समापन कार्यक्रम में गुजरात के कैबिनेट मंत्री कुंवर भाई बवालिया, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप भोई समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम कश्यप, कार्याध्यक्ष बाबा मार्तंड, अधिवेशन के आयोजक और विधायक रमेश सदा पाटिल खासतौर पर मौजूद रहे। अधिवेशन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इस अधिवेशन में कल और आज दो दिनों में कई विधायक, कई सांसद, कोई समाज श्रेष्ठ और अलग अलग समाज के लोगों ने इस संगठन में संबोधित किया। इस संगठन के माध्यम से, खासकर जो समन्वय समिति के माध्यम से जिन्होंने प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव पारित किया है, ये प्रस्ताव लेके अगले दिनों में ये संगठन और समन्वय समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के अपनी बात रखेंगे और जो पिछड़ा ये समाज है, गरीब समाज है, उन सबको एकत्रित करने के लिए और हक और अधिकारों के लिए ये समन्वय समिति और यहाँ से ये जो आयोजन किया है, ये उनके अध्यक्ष सब को साथ मिलकर पूरी तरह से खरीदी आवाज एक समन्वय करने के लिए सब लोग एकत्रित होंगे और अगले दिनों में यहाँ से घोषणा भी की गई है। पिछले दिसंबर में छत्तीसगढ़ में भी इससे बढ़िया और दूसरा कोई संगठन को जोड़ के इस समन्वय समिति की ओर से बड़ा कार्यक्रम होगा और बाद में अपने हक और अधिकारों के लिए सब लोग अलग अलग ब्रांच के जो समस्या है, समस्याओं को एक साथ जोड़ के समस्याओं को उनको खेल के लिए उनके जो आवाज़ है, ये आवाज़ बुलंद बनाने के लिए इन दो दिनों के अंदर अखिल भारतीय कश्यप निषाद भोई समिति के 10 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पूरे 29 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भाग लेकर उन्होंने अपने अपने प्रांत की समस्याओं को यहाँ पर रखा, उनके लिए हमने प्रस्ताव पारित किए और उनकी क्रियान्विति के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमने प्रस्ताव पारित किए। वो सारे प्रस्ताव पारित करके हम पूरी लोकसभा के सभी MPओं को, राज्यसभा के सभी MPओं को और प्रधानमंत्रियों को भेजेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है 151, वो सभी संगठन इन प्रस्तावों को अपने अपने लेटर पेड पर लिख करके और प्रधानमंत्री को ज्ञापित करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्रस्ताव है, सरकार को हम एक बार अगस्त के अंदर एक दिवसीय धरना देकर के ध्यान आकर्षण करेंगे। दिसंबर के अंदर हम एक अधिवेशन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी, हमारे नोटिस के ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया, तो फिर उसमें हम अपने संघर्ष की भूमिका रखेंगे। अधिवेशन महाराष्ट्रामध्ये होते, नवी मुंबईमध्ये होते, तर म्हणजे या संस्थेने इथे आयोजन केलेलं अखिल भारतीय यांनी, त्यांचं खरं म्हणजे मी अभिनंदन करतो। कारण आमच्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक समस्या होत्या, त्याच्यापैकी ठरावामध्ये त्यांनी कोळी समाज, मच्छिमार समाज यांचा एक ठराव केलेला आहे की हे समाज पाच पिछडे आहेत, त्यांच्या काहीतरी समस्या आहेत, मच्छुवारांच्या समस्या आहेत, मच्छुवार महिलांच्या समस्या आहेत, कोळी समाजाच्या समस्या आहेत, त्याचा ठराव प्रस्ताव त्यांनी पास केलेला आहे।
कारण नौ ठराव झाले त्यापैकी एक महाराष्ट्रातील कोळी समाजाचा प्रस्ताव त्यांनी आज पारित केला, याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देईन. खरोखरच आमच्या या फार मोठ्या अडचणी होत्या. गेल्या 25 वर्षापासून जातीचा दाखला, जातीचं प्रमाणपत्र आणि कोळीवाड्यांचे मच्छीचे प्रॉब्लेम, जे दुष्काळ होता त्या दुष्काळामध्ये फार मोठं नुकसान होतं या कोळी समाजाचं, आणि त्या कोळी समाजाला कुठेतरी न्याय मिळत नाही. आज शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो, कोळी समाजाला, मच्छीमार समाजाला न्याय मिळत नाही. न्याय मिळण्यासाठी आम्ही सर्वजण, संपूर्ण अखिल भारतीय कोळी समाज इथे एकत्र झालेला आहे, आणि त्या दिशेने आज आम्ही ठराव घेतलेला आहे, आणि त्या ठरावाच्या माध्यमातून आज दिल्ली येथे आम्ही हा ठराव पाठवणार आहोत, आणि निश्चित आमची शक्ती बघून हा ठराव पास होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आज त्या दिवसात 2 दिवस जे आमचं अधिवेशन घडलेलं आहे, त्या अधिवेशनाचा निश्चित आम्हाला बताना जरूरी है कि 2 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के हाथों किया गया था, जबकि सम्मेलन में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र समेत विविध राज्यों के मंत्री, विधायक और कई सांसदों ने भी हिस्सा लिया. समन्वय समिति के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चेतन पाटिल ने अधिवेशन को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में समाज तरक्की की राह पर चलेगा. अधिवेशन जो खत्म हुआ है, इसमें हमारे लगभग 10 जो हमारा मेन एजेंडे थे वो हमने अपने यहाँ से पारित करके किए हैं. मेन इसमें युवाओं पे फोकस रहा है, क्योंकि युवा शक्ति देश की शक्ति है, और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो यूथ आगे आज की डेट में बढ़ चढ़ के आ रहा है, उसमें हमने कहा है कि आप प्रदेश वाइज जो हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, उसको थोड़ा और एक्टिव करने की कोशिश की है, क्योंकि संगठनात्मक जितना हम मजबूत हो जाएंगे, उतना हम अपने महानुभाव जितने हैं जो आज संसद में बैठे हैं, जो आज विधायक बने हुए हैं, जो आज हमारे जितने भी महानुभाव हमारे पूरे भारत में हैं, हम उनके हाथों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं. क्योंकि जिस दिन उन्हें हम और मजबूत कर देंगे, मैं मानता हूँ कि समाज की बहुत सारी समस्याओं का हम हल कर देंगे. सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में हमारा जो समाज है, जो कई नामों से जाना जाता है, वो आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के पहले भी वो संघर्ष करता रहा, और अपने जो हक की चीज़ें थी, जो हक का न्याय था, वो आज तक मिला नहीं है. इसलिए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राजाराम कश्यप जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं बाबा मार्टिन जी, और हमारे युवा अध्यक्ष राजकीय नीरज कश्यप जी, और उनकी सारी टीम की ओर से, समन्वय समिति की ओर से हमने ये सम्मेलन महाराष्ट्र में लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमारे समाज की, मछुआरों की, जल से निगड़ित लोगों की समस्याएं बहुत है, और जब तक हम सारे लोग इकट्ठा होकर केंद्र शासन से और विविध राज्यों के जिनकी सरकारें हैं उनसे इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी समस्याएं सुलझेगी नहीं. इसलिए ये माध्यम था कि आज हम ऑल इंडिया, महाराष्ट्र से निकलकर ऑल इंडिया लेवल पर चले गए, और जो मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण, सांसद और विधायक 2 दिनों से इस अधिवेशन में आके जिन्होंने आश्वासित किया है, अब उनका दायित्व है कि हमारा प्रश्न लोकसभा, राज्यसभा और उन राज्यों में वो अपने ढंग से सुलझाए, और हम आगे जाकर ये नेशनल लेवल पर लेकर जाके दिल्ली में जल्द ही कूच करने वाले हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.